नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच टेट यानी कि हरियाणा टेट पीजीटी एग्जाम लेवल 3 जिसको बोलते हैं हरियाणा में। इसमें कॉमर्स सब्जेक्ट के सिलेबस, स्कीम और प्रीवियस पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तरह से शॉर्ट में इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। हालांकि हमारा जो डिस्कशन होगा वो मेनली कॉमर्स सब्जेक्ट पे फोकस करेगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट वाले भी इस स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में कम समय में हम किस तरीके से बेटर स्ट्रेटेजी लेकर के एग्जाम में जाएं। जो नोटिफिकेशन है एच टेट 2020 का, उसके बारे में अगर बात करें सबसे पहले तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने होने चाहिए इसमें। इसमें बताया गया कि 90 मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए, यानी कि 60%। अगर हरियाणा के एससी या फिजिकली चैलेंज्ड डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, यानी कि 82। और बाकी स्टेट के चाहे एससी हैं और चाहे डिफरेंटली एबल्ड हैं, आपको 90 मार्क्स ही चाहिए। तो ये तो इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। इसके बाद अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि लेवल 3rd की हम बात कर रहे हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको पता ही होगा सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 4 अल्टरनेटिव होंगे। इसके अलावा कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। और जो स्कीम या स्ट्रक्चर है पीजीटी एग्जाम का वो इस तरीके से है, टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, ड्यूरेशन होगा एग्जाम का 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें जो 4 सेक्शन टोटल होंगे जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 MCQ होंगे 30 मार्क्स के। इसके लिए आप कोई भी टेट लेवल की बुक लेंगे, सी टेट की बुक लेंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो वहां से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश इसके जो MCQ आएंगे, इसके लिए भी आप टेट लेवल की जो जनरल बुक होती है, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश की, वहां से इनकी तैयारी कर सकते हैं। अब GS जनरल स्टडीज के लिए 30 MCQs होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 MCQs होंगे और रीजनिंग एबिलिटी 10 MCQ, हरियाणा GK एंड अवेयरनेस 10 MCQ। तो इसके लिए भी आप टेट लेवल की बुक से पढ़ सकते हैं। हरियाणा GK के लिए आप हरियाणा की करंट GK की कोई बुक, बहुत बड़ी नहीं, कम पेजेस की रहती है, जिसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं हो, 50 से 60 रुपये की एक बुक, ज़्यादा से ज़्यादा 90 तक आ जाती है। जो छोटी से छोटी बुक हो वो लें हरियाणा GK की, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं जो मेजर आज का हमारा डिस्कशन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो सब्जेक्ट कॉमर्स के लिए हम डिस्कस करेंगे मेनली, बाकी सभी सब्जेक्ट में 60 MCQ होंगे और इस तरह से टोटल कंपोजिशन ये बनता है 150 मार्क्स का। अब अगर नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस के बारे में क्या कहता है बोर्ड जो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, उसका कहना है ये तो जैसा कि मैंने बताया चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये वही सीटेट लेवल के हैं, सब वहां से तैयारी कर सकते हैं। हम ध्यान देंगे सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है। सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि जो टेस्ट आइटम्स होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पे, प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटीज पे, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग पे सब्जेक्ट की। और इन्होंने बताया कि टेस्ट आइटम शैल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्वेश्चंस कहाँ से होंगे उनके बारे में है ये बात, क्वेश्चंस होंगे सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर क्लास 9th टू 12th सेशन 1920 बाई द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, यानी कि जो हरियाणा बोर्ड में बुक पढ़ाई जाती है। तो बाकी सब्जेक्ट में 9th टू 12th, लेकिन हरियाणा में क्योंकि कॉमर्स केवल 11th और 12th में पढ़ाई जाती है हरियाणा बोर्ड में, तो 11th और 12th की जो कॉमर्स की बुक है, कॉमर्स की बुक में आपका मेजर बिजनेस स्टडीज की बुक और अकाउंटेंसी की बुक आवश्यक रूप से चाहिए। उनमें जो भी सिलेबस प्रेस्क्राइब है 11th और 12th का, वही इसका भी सिलेबस है, एकदम ये क्लियर कट यहाँ पे कहा गया है, और मेजर पोर्शन उसी का एग्जाम में भी देखने को मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं कि हायर टॉपिक्स जो आ जाते हैं पीजी लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के, उनके बारे में क्या कहता है बोर्ड। उसमें कहा गया है कि जो क्वेश्चन होंगे टेस्ट टेस्ट में जितने भी, वो उन्हीं टॉपिक पे बेस्ड होंगे जो सिलेबस कहता है हरियाणा बोर्ड का। तो इसलिए हरियाणा बोर्ड के सिलेबस को गो थ्रू कर लें, और ये जो सिलेबस है हरियाणा बोर्ड का वो NCERT का जो सिलेबस है वही लगभग सेम सिलेबस है एज इट इज, तो NCERT की बुक भी आप इसके लिए पढ़ सकते हैं, सफिशियंट है। लेकिन उन्होंने एक बात साफ यहाँ पे कही है कि
डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल लिंकेजेस कुड बी अप टू पीजी लेवल, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होगा एग्जाम का वो पीजी लेवल तक हो सकता है। तो अब इस बात को ध्यान रखिए कि आज की डेट में एग्जाम्स का ये ट्रेंड चल रहा है कि पीजी लेवल के क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं, तो उनके लिए क्या करना है उसकी स्ट्रेटेजी पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रीलुक करेंगे कि 2016 में एसटेट का जो एग्जाम था 17 वाला एग्जाम था, 18 वाला था और 19 वाला था। ये जो एग्जाम्स हुए थे उनमें क्या ट्रेंड था टॉपिक्स का, बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट। यहाँ पे बीएसएम का मतलब ये बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज 11th और 12th की, और बाकी जो मैनेजमेंट के जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स रहते हैं पीजी या ग्रेजुएशन में, यहाँ इसका मतलब इससे है। तो 2016 में 27 थे, 17 में 35 हुए, 18 में 41 रहे और 19 में 39 रहे। देखने में आ रहा है कि ये जो टॉप ये क्वेश्चंस हैं ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज के, खास तौर पे ये मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ गया है वो भी आ गया है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आजकल रहते हैं दो सब्जेक्ट्स में से। इसके अलावा मार्केटिंग में सफिशियंट रहते हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसके बाद अकाउंटेंसी में अगर देखें तो अकाउंटेंसी में जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो थोड़ा कम हुआ है, 2016 में थे 17 में 15 रहे, 18 में 12 रहे और 19 में 10 रहे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको ये पहचान करना काफ़ी मुश्किल होता है कि वो हम किसके माने जाएं, बिजनेस के माने अकाउंट्स के माने, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इतने करीब होते हैं जो बाकी सारे सब्जेक्ट आपस में मिक्स तो रहते ही हैं ये, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं तो उसमें आपका जो क्राइटेरिया अगर आप काउंट करेंगे तो एक दो क्वेश्चन हार्डली ऊपर नीचे बैठेगा, अदरवाइज यही रहेगा सेम। तो अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चंस हैं वो कम होते गए धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे अकाउंटेंसी से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हम बिजनेस में यहाँ पे काउंट कर लिया है। इसके बाद इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग चार क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन रहते ही हैं। आप 60 में इसका रेशियो निकाल लीजिए, 60 क्वेश्चन में चार क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के रहते हैं, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान मतलब कितना टाइम दें ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए कुछ टॉपिक्स हैं गिने चुने, उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा जिनको हमें देखना है इकोनॉमिक्स में। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो पहले इसमें नहीं था, लेकिन 17 में 6 क्वेश्चन आए, 18 में 2 रहे और 19 में फिर 7 क्वेश्चन हो गए, 20 में अब देखना होगा कितने क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर के हमको इन सब पे थोड़ा थोड़ा नजर डालना होगा। अब मैं बात करूंगा उन टॉपिक्स की जो टॉपिक आपको गो थ्रू करने हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें से हार्डली एक कोई क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आप पूरा टाइम अपना वेस्ट करें उसकी जरूरत नहीं है। जिन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एक दफे जरूर रिवाइज करके जाएं एग्जाम देने से पहले, तो उनके बारे में देखिए। ये टॉपिक्स की पूरी लिस्ट मैंने बनाई है जो प्रीवियस चार ईयर्स में कंटिन्यूसली आए हैं जहां से जितने क्वेश्चंस, तो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हम खूब याद करते हैं, लेकिन चारों साल में मिलाकर के AS3 से रिलेटेड एक क्वेश्चन खाली पूछा गया है, वो भी कैश फ्लो का, आप कह सकते हैं कैश फ्लो का हो गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज में से लगभग क्वेश्चन आते रहे चारों साल, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज वाला जो टॉपिक है ये आप 11th की बुक में से कर जाएंगे, NCERT में से सफिशियंट रहेगा। साथ साथ में बुक भी बताता रहूंगा किस बुक में से आप किस लेवल का कर सकते हैं। तो 11th जो NCERT की बुक है उसमें से बिल ऑफ एक्सचेंज के एक दफे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ जाएं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ही रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, और न्यूमेरिकल थोड़े से इसके देख लें जो सोल्ड न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अलावा ये नॉर्मल टॉपिक रहा है। इसके बाद है BRS, तो BRS को भी एक दफे उसका भी देख जाएं, एक दो न्यूमेरिकल जो सोल्ड है BRS के वो पढ़ जाएं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो मेजर फोकस एरिया है वो है कंपनी का, आपको ये PDF पूरी मिल जाएगी, इसका भी मैं बता दूंगा बाद में आपको। मैं नीचे एक लिंक डालूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, आप आराम से इन टॉपिक्स को देख सकते हैं कौन से टॉपिक हैं। तो जो कंपनी है अकाउंटेंसी, ये कंपनी अकाउंट्स में से भी खूब सारे क्वेश्चंस रहे हैं एग्जाम में, और जो कंपनी का हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज में, वहां पे भी ये आएगा, उसमें भी जब बिजनेस स्टडीज BSM का हम बताएंगे, ये अकाउंटेंसी में है, वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन कंपनी में से पूछे गए हैं। तो कंपनी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए आप तैयारी करेंगे 12th क्लास में अकाउंटेंसी में जो कंपनी का टॉपिक है शेयर और डिवेंचर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको पढ़ के जाएं, इनमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और थ्योरी के लिए बताएंगे बिजनेस स्टडीज में जब ही ये टॉपिक आएगा। इसके बाद है अकाउंटेंसी में कॉस्ट। कॉस्ट में से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अब कॉस्ट में से आप कितना करें क्या करें ये देखने वाली बात है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मेरी राय होगी कॉस्ट अकाउंटेंसी की बुक बीकॉम लेवल की आप लें और उसमें से जो शुरुआती 3 से 4 चैप्टर्स हैं किसी भी बुक को आप ले सकते हैं, उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो जो मेजर क्वेश्चंस हैं उनमें अटेम्प्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर जो शुरुआती चैप्टर्स होते हैं बेसिक नॉलेज टाइप के उन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन पे भी एक आध क्वेश्चन हो सकता है लेकिन ये कॉमन टाइप के होते हैं, ये हो जाते हैं कॉमर्स वाले जो पढ़े रहते हैं इसको। फंड फ्लो स्टेटमेंट पे एक क्वेश्चन 4 साल में आया है, कोई विशेष नहीं है। इसके बाद जो मेजर क्वेश्चंस रहे हैं फिर फाइनल अकाउंट से। फाइनल अकाउंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, जो 11th की बुक में फाइनल अकाउंट्स दिया है सोल ट्रेडर का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन उसमें से थे ज़्यादातर। वहाँ उसमें जो रेवेन्यू और कैपिटल कॉन्सेप्ट का भी वर्णन किया गया है उसमें NCERT की बुक में, तो उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू करें, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो अकाउंट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था इसलिए ये अकाउंट में रखा है मैंने। तो जो बाकी थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कंटिन्यूसली, उसके बारे में हम नीचे देखेंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का एक क्वेश्चन 4 साल में पूछा गया, तो कोई विशेष नहीं है। इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का नॉर्मल। इसके बाद अब जर्नल, तो जर्नल में से लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, ये जर्नल एंट्रीज जो होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। लेजर में कोई खास नहीं। इसके बाद NPO पे एक क्वेश्चन 4 साल पर। पार्टनरशिप में से फिर इसके बाद खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप में जो रेशियो कैलकुलेशन करते हैं ज़्यादातर वैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, फिर भी एक दफ़ा इसकी थ्योरी गो थ्रू कर लेंगे। इसके बाद है रेशियोज जो होते हैं अकाउंटिंग रेशियोज, उनमें से भी कंटिन्यूसली एक एक क्वेश्चन 4 साल पूछा गया है, तो रेशियोज को एक दफ़ा देख के चले जाएं। सिंपल जो रेशियोज होते हैं उनका मीनिंग कम से कम देख लें और फॉर्मूला देख लें। इसके बाद रेक्टिफिकेशन पे भी क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है, तो रेक्टिफिकेशन को एक दफ़ा देख लेंगे। टैक्स पे कोई विशेष नहीं, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए हैं। अब जो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट वाला पोर्शन है उस पर आते हैं, तो इसमें बैंकिंग से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन हैं। ये बैंकिंग के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टडीज की जो 11th क्लास की बुक है उसमें बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग है, उस बैंकिंग से ये क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद बजट से एक आध कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में से हालांकि यहाँ पे ज़्यादा दे नहीं रखे लेकिन फिर भी इसको जरूर पढ़ के जाएं, इसमें से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तकरीबन। अब जो मेजर चीज़ है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जरूर पढ़ के जाएं, कम्युनिकेशन में क्वेश्चन लगभग रहता ही है। इसके बाद कंपनी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इस थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको कंपनीज एक्ट जो है ये आप बीकॉम की किसी बुक में से कंपनी एक्ट जो है कंपनी एक्ट की बुक के शुरुआती कुछ चैप्टर्स को पढ़ के जाएं। इसमें कंपनी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा 11th की बुक में भी कंपनी के बारे में दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे भी इसको एक दफ़े देख लें, ये क्वेश्चन हो जाएंगे, सामान्य टाइप के रहते हैं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की बुक में कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसको एक दफ़ा पढ़ के जाएं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में एकाधिकाध आता है। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो क्वेश्चन हैं ये आप बीकॉम लेवल की जो बुक होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की उसको एक दफ़ा देखेंगे तो उसमें से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। इसके बाद कंट्रोलिंग वगैरह बिजनेस का, तो बिजनेस स्टडीज़ के लिए तो मैंने एक ही बात बोली ही है कि बिजनेस स्टडीज जो 11th और 12th की जो बुक्स हैं इनको तो ज़रूर एक दफ़े आप रिवीजन इनका करके जाएं, और आजकल इन बुक्स में MCQs दिए होते हैं, उन MCQs को अटेम्प्ट करें तो तैयारी हो जाएगी। इसके बाद जो मेजर एरिया है वो है फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो है क्वेश्चंस, एक तो 12th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज़ की बुक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिया है, एक तो उसको ज़रूर पढ़ें, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन लेवल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक को भी पढ़ना होगा, उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू करना होगा, तब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंटिन्यूसली एग्जाम्स में, आज की डेट में बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। और ये जो मैंने लगाए निशान ये फिर से बता दूं कि HTET के पिछले 4 साल के जो कंटिन्यूस क्वेश्चंस एनालाइज किए हैं हमने उसमें ये मिले हैं। इसके बाद इन टॉपिक्स को
देखिए फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट आपको 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में जो फाइनेंशियल मार्केट है ये उसमें से हो जाएगा, इसके लिए हायर बुक की जरूरत नहीं है। इसके बाद एचआरएम, तो एचआरएम में से देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है एचआरएम में से, लेकिन एकाध-एकाध कभी कभी पूछा जाता है हर साल, तो उसके लिए थोड़ा सा एचआरएम को अगर टाइम होगा तो देख लेंगे, नहीं तो जो रिक्रूटमेंट वाला चैप्टर है, स्टाफिंग का चैप्टर है क्लास 12th में, उसको पढ़ के जाएंगे, उससे भी ये कई क्वेश्चन इनमें से अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद है, अब आ जाता है जो खास टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। एक इस इंटरनेशनल ट्रेड को आप 11th क्लास की जो बिजनेस स्टडीज की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो लास्ट यूनिट्स हैं उनमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में दिया गया है, उसको जरूर पढ़ें। और हायर बुक्स में आपको बीकॉम या पीजी लेवल की कोई बुक इंटरनेशनल ट्रेड की मिलती है तो उसके शुरुआती 2-3 इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर्स हैं उनको देख लें। इसके बाद जो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो लीडरशिप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इस मैनेजमेंट के 12th क्लास की जो मैनेजमेंट की बुक है उसको एक दफ़ा पढ़ लें, वहाँ से ये अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद है मार्केटिंग, मार्केटिंग के क्वेश्चन आज की डेट में हायर लेवल की मार्केटिंग आती है एग्जाम में, और ये 12th में भी है ऐसे तो मार्केटिंग, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको मार्केटिंग के इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, तो इसके लिए आपको मार्केटिंग की एमकॉम की बुक, पीजी लेवल की बुक देखनी चाहिए, और उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, उसको एक दफ़ा आप देख लेंगे, कॉमन टाइप के टॉपिक्स रहते हैं, एक दफ़ा देखने के बाद फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो जाते हैं, तो मार्केटिंग में से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोटिवेशन जो है इसको एक दफ़ा 12th की बुक आप देखेंगे बिजनेस स्टडीज, वहाँ से हो जाएगा ये लगभग। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब किसी के मन में ये आ सकता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसमें से क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, दरअसल होता क्या है कि 12th में ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिनका लिंक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से भी रहता है, मार्केटिंग से भी रहता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से भी रहता है, तो इसलिए ये उन सारे सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में से आजकल खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ओबी की बुक जो है वो एक दफ़ा जरूर देखें, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक ये आवश्यक है पढ़नी। ओबी की बुक आप ग्रेजुएशन लेवल की या पीजी लेवल की जो ओबी की बुक है वो एक दफ़ा पढ़ के जाएं। इसके बाद अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक अगला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट केवल 12th की बुक से काम नहीं चलेगा, 12th की बुक तो देखना मस्ट है, इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक रहती है उसको भी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, अच्छा जब आपको लगेगा कि भाई उस बुक में से हम क्या पढ़ें कितना पढ़ें, तो एक तो प्रीवियस पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो कुछ टॉपिक्स वो मिल जाएंगे, अगर उनकी मैं लिस्ट बनाने बैठता तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती, उसको आपको देखना होगा। मैं प्रीवियस पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा पिछले 4 साल के, और ये प्रीवियस पेपर आपको 4 साल के मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद उसको उन क्वेश्चंस को डाल दूंगा, तो बार बार जब कोई मांगता है क्वेश्चन, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, हर जो स्टूडेंट आएगा या टीचर आएगा हर एक कोई मांगेगा तो बार बार नहीं डाल पाता हूँ मैं, एक बार डाल देता हूँ, आपको स्क्रॉल अप करके वो देखने होंगे, आपको मिल जाएंगे 4, लेकिन मैं इस वीडियो को बनाने के बाद डालूंगा। इसके बाद है फिर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टाफिंग, ये 12th की बुक में से हो जाएगा एनसीईआरटी में से। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको ये बुक पीजी लेवल की जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसके भी शुरुआती चैप्टर्स देखने होंगे। दरअसल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ये जो हम प्लानिंग करते हैं प्लान करते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली प्लान करना यानी कि जो प्लानिंग वाला टॉपिक हम 12th में पढ़े हैं ये उसी का एक तरह से एक्सटेंशन होता है, और उसमें जो रिसेंट चेंजेज है मैनेजमेंट में वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं, मॉडर्न हम टर्म्स देखते हैं वो सारी की सारी इसमें हमको मिल जाएंगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, इवन बिजनेस एनवायरमेंट का भी टॉपिक इसमें मिल जाएगा, तो एक दफा ये भी देखना चाहिए एग्जाम्स के लिए। अब बात करते हैं इको के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तो रहते नहीं है, और फिर जो क्वेश्चन ज़्यादातर अगर इको में होते हैं तो वो कहाँ से होते हैं, इको के जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो डिमांड टॉपिक पे होते हैं, तो जो डिमांड वाला है वो जरूर पढ़ के जाएं, उसमें से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिर अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में ये परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इनको चारों को जरूर पढ़ के जाएं। इसके बाद नेशनल इनकम, तो ये 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक में है, नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ के जाएं, इसमें सामान्य टाइप के GDP, NNP इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको एक दफ़ा देख लें।
फिर जो महत्वपूर्ण चीज है स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़े, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो इसमें कोरिलेशन को एक दफा पढ़ के जाए इंट्रोडक्टरी। अब इतनी सारी बुक्स आप एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, तो करना क्या होता है कि उन बुक्स के कम से कम जो चैप्टर्स होते हैं उनके इंट्रोडक्टरी आप कुछ कुछ लाइन आपको पढ़ेंगे, ताकि उस टॉपिक की समझ आ जाए, तो उसमें से करेक्शन करेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के। और पहले से जिनकी तैयारी काफी मजबूत है उनको एक दफा ये रिविजन के लिए देखने चाहिए। इसके बाद जो मेन टॉपिक है मेन मोड मीडियम, उसमें से क्वेश्चन रहता है उसको एक दफा जरूर देखें, मेन मोड मीडियम्स को देखें। फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है उस पर भी क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, तो हालांकि एक क्वेश्चन दो बार खाली पूछा गया, दो बार नहीं पूछा गया एक भी क्वेश्चन, तो उसको आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। आपके पास टाइम होगा तो देखें, नहीं तो समय जाया ना करें इसमें। ऐसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स पे, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर पढ़ के जाएं, इसमें से लगभग एक क्वेश्चन हर पेपर में अगर स्टैटिस्टिक्स के रहते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन रह जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो ये थे जो टॉपिक्स आपको ध्यान देने हैं। इसके अलावा जितना संभव था स्ट्रेटेजी आप क्या बनाएं, आप इन टॉपिक्स को एक दफा गो थ्रू करें, उसके बाद पिछले 4 साल के पेपर ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने इसमें टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से ले लें। और आपके पास पहले से है, मार्केट में बुक भी मिल रही है, बुक को भी आप देख सकते हैं। तो पिछले जो प्रीवियस पिछले 4 साल के जो पेपर है उनको जरूर देखें, बहुत ज़्यादा पुराने देखने की ज़रूरत नहीं है, पिछले 4 साल के लेकिन जरूर देख करके जाएं। फिर भी जो होती है स्ट्रेटेजी के बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं, जो पेपर बनता है हर बार नए लोग पेपर बनाने वाले होते हैं, पेपर सेट करने वाले होते हैं, उनका एटीट्यूड हर बार अलग होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है सेम ट्रेंड फॉलो होगा, कोई ट्रेंड नहीं बनता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 11th 12th की बुक्स मस्ट हैं, इन्हीं पे बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं। और हायर बुक्स में आजकल जो आ रही हैं तो वो सभी जितने भी PGT के एग्जाम्स में, उनमें एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक जरूर पढ़ें। आप किसी भी PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो बुक है उसको जरूर पढ़ें, और उसके बाद मार्केटिंग की बुक ये जरूर पढ़ें हायर लेवल की, इन बुक्स को आप जरूर पढ़ें, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी तो क्योंकि अब ऐसे तो ढेर सारी बुक्स हैं, हम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन किसी बुक में से आते हैं तो पूरी बुक को पढ़ के क्या करेंगे। एक हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसको जरूर पढ़ें, बाकी जो क्वेश्चन है उसके लिए एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बुक है इनको जरूर पढ़ना चाहिए जो PGT की तैयारी कर रहे हैं। बाकी सब में से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो 11th 12th से लिंकेज मिल जाता है, ये PGT के लिए मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ, ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए आपको। और प्रीवियस क्वेश्चंस जितने हैं वो जरूर देखने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करना चाहिए। MCQ की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैं किसी एक बुक का नाम नहीं लूँगा, आप मार्केट में से कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें आपको प्रीवियस पेपर्स मिल जाएं या कॉमर्स के MCQs मिल जाएं, जितना हो सके प्रैक्टिस करें, उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो ये था हमारा डिस्कशन HTET एग्जाम के बारे में, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, और बाकी जो आगे वीडियोज़ आने वाले हैं उनको लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संभव हुआ तो आपको जो पिछले 4 पेपर्स हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ग्रुप में मिल जाएंगे आपको, उनकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा उनका डिस्कशन भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी डालने की, 4 पेपर्स को सोल्व भी मैं करा दूंगा वीडियो के माध्यम से। उसके लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, जब वीडियो डालेगा तो आपके पास उसका लिंक पहुंच जाएगा। इसके अलावा मैं इस पे MCQ सीरीज पहले भी काफ़ी पड़ी हुई है हमारे पे और आगे भी जारी रहेगी, आप MCQ सीरीज को भी देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की काफ़ी आपको सीरीज यहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।